हेलो सुखनवर्स, मेरे और एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम फिर आपके लिए एक बहुत ही आसान सी बनने वाली एक रेसिपी लेके आ गए हैं, जो कि होने वाली है मसाला भिंडी। इसको अंग्रेज़ी में लेडी फिंगर और या ओकरा भी कहा जाता है। तो इसके लिए मैंने करीब 400 ग्राम मैंने यहाँ पे भिंडी ले ली है, जिसको मैंने ऐसे हाफ़ के टुकड़ों में काट के, छोटे छोटे टुकड़ों में काट के, इसको मैंने बीच से काट के इसको दो हिस्सों में कर लिया है। इसको ऐसे करने से इसको पकने में आसानी भी होगी। तो सबसे पहले हमने ये इसको 400 ग्राम ये कर लिया है, और मैंने यहाँ पे थोड़े से प्याज को ऐसे लच्छों में काट के रखा हुआ है। मैंने ये करीब एक मीडियम प्याज है और एक बहुत ही छोटे प्याज को मैंने बीच में से काट के इसको ऐसा लच्छा बना के किया हुआ है। तो सबसे पहले हम अपने प्याज को कैरामलाइज होने तक फ्राई करेंगे, उसके बाद इसमें हम अपनी भिंडी मिला के थोड़े चटपटे मसाले डाल के इसको हम फिनिश करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी मसाला भिंडी बनाने की विधि। चलिए, तो हमारा तेल जो है अभी गर्म हो गया है, इसमें हम थोड़ा पहले जीरा डाल देते हैं। ये इसमें थोड़ी जो ऑयल है उसके कंटेंट थोड़ा हम ज़्यादा रखेंगे इस बार, क्योंकि हम इसको फ्राई करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने ये जीरा क्रैकल कर लिया है, इसको हम थोड़े हाई फ्लेम में ही पकाएंगे। चलिए, सबसे पहले हम अपनी भिंडी यहाँ डाल देते हैं इसमें। चलिए, तो यहाँ पे मिस्टेक ये होगी कि मैंने प्याज फ्राई करने के पहले मैंने अपने भिंडी को पहले उस दूसरे पैन में डाल दिया था। तो मैंने दूसरा पैन ले लिया है, इसमें हम अपने प्याज को कैरामलाइज होने तक सॉटे करेंगे। ये गलती करना कोई बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन उस गलती से कितनी जल्दी हम रिकवर करते हैं सारा गेम उसी का है। सर, प्रेजेंस ऑफ माइंड रखने की बस ज़रूरत है। चलो, हमारा काम तो फटाफट होने लग गया है। इसको कैरामलाइज होने तक हम इसको थोड़े हाई फ्लेम में इसको हम अच्छी तरह फ्राई करेंगे। चलिए, तो हमारे जो प्याज हैं ये अच्छी तरह कैरामलाइज हो गए हैं। अब हम वापस अपनी गाड़ी को रास्ते पे ले आए हैं। तो ये हमने यहाँ पे रख दी अपनी भिंडी, और इसको मिला लेते हैं हम इसमें। चलिए, तो गाड़ी हमारी अब रास्ते में आ गई है। अब ज़रा भिंडी को पकाते हैं। याद रखिएगा, फ्लेम थोड़ी हम बड़ा ही रखेंगे। हम इसको भी थोड़ा कैरामलाइज करेंगे अपनी भिंडी को। चलिए, तो अब हमारी भिंडी जो है 5 मिनट से पक रही है, अभी काफ़ी सॉफ्ट हो चुकी है। अब इसमें अपने हम मसाले डाल देते हैं। इसमें हमने लिया है थोड़ा सा गरम मसाला, ये थोड़ा सा अमचूर पाउडर, ये थोड़ा सा धनिया पाउडर, और थोड़ा नमक मिलाया है मैंने अभी। तो इसके बाद हम जो इसको मिक्स कर लेंगे, इसके बाद में हम चाट मसाला डाल के इसको फिनिश करेंगे। पहले इसको मिक्स कर लेते हैं, फिर इसमें हम चाट मसाला डालेंगे। ये अब हमने थोड़ा सा चाट मसाला ले लिया है। अब फ्लेम को हम ऊंचा कर लेते हैं। चलिए, तो हमारा जो ये मसाला भिंडी है ये लगभग तैयार है। आपको इस कलर में तक आपको लेके आना है। भिंडी हमारी देखिए सॉफ्ट भी हो गई है काफ़ी, तो ये स्टेज परफेक्ट है गैस को ऑफ करने के लिए।
तो आप में से बहुत सारे लोग इसको बनाते होंगे और उनके भी अपने अलग अलग तरीके होते होंगे। ये मेरा तरीका है। जैसे कि एक बहुत पुरानी कहावत है कि सच्चाई एक ही होती है, लेकिन उसमें पहुंचने के लिए बहुत सारे रास्ते होते हैं। तो वैसे ही जो है ये मेरा रास्ता था ये मसाला भिंडी बनाने का। ये करीब करीब 10 से 12 मिनट के अंदर बनने वाली एक रेसिपी है, इसको आप अपने घरों में ज़रूर ट्राई करिएगा। और अगर आपको मेरी बनाने की ये विधि आपको पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा और ऐसी ही बहुत ही आसान सी बनने वाली एक रेसिपी मैं आपके सामने फिर से लेके आऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर, विल सी यू सून, बाय।